वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोरम ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों को एक टिबेटियन डिश लाफिंग, जो बहुत ही इजी रेसिपी रहता है और टेस्टी भी रहता है, वो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको मैदा चाहिए रहता है इसके लिए। इसको डुबो अच्छे से पानी के अंदर डुबो के रखते हैं और इसको एटलीस्ट 4 to 5 hours के लिए हम इसको ढक के रख देते हैं। इंग्रेडिएंट आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए तीखा लाल, थोड़ा सा मिर्च और ये कटा हुआ धनिया और ये लहसुन 6-7 चाहिए और ये अजीना मोटो और ये हल्दी थोड़ा सा और ये ड्राई चिल्ली। मैदे का डो बना के पानी भर के रखा था, तो अभी इसका ग्लूटीन आना स्टार्ट हो गया है। तो इसको पानी का जो ऊपर का भाग रहता है हम लोग को निकालना पड़ता है, इसे स्टैंड कर देते हैं। पहले तो इसमें गर्म पानी, एक बर्तन लीजिए, इसमें गर्म पानी इसको थोड़ी देर के लिए गर्म करते हैं। तब तक हम एक छोटा सा प्लेट लीजिए और प्लेट के ऊपर थोड़ा सा तेल से लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। ऐसे क्या होता है कि जैसे ये स्टीम हो जाता है, बाद में इसमें स्टिकी नहीं रहता है, नहीं तो बाद में फिर सारा इसमें स्टिक हो जाता है।
पानी के अंदर एक स्टैंड डाल के हम ये प्लेट रख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा स्टीमर है तो आप ये रख के इसके ऊपर आप ये प्लेट रख के अभी जो हम लोग का स्टार्च है उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और कलरिंग के लिए। थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर देंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ऐसे। इसको ऐसे स्प्रेड करते हैं हम लोग। का प्रोसेस थोड़ा ये पैनकेक की तरह है, तो इसको स्प्रेड कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास ऐसा स्टीमर नहीं है तो आप सीधा पानी में ये स्टैंड लगा के उसको डुबो के आप ऊपर से रख सकते हैं। इसको अभी ढक देते हैं फॉर एटलीस्ट 5 to 7 मिनट के लिए। 7 to 8 मिनट हो गया है, अभी देखते हैं। हाँ जी, अभी ये देखिए इससे बबल्स आना स्टार्ट हो गया है, तो ये दैट मीन्स ये अभी ये रेडी हो गया है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं। मैं निकाल दिया है, अभी थोड़ा सा इसको ये हमने पहले जो ऑयल डाला था उसके वजह से ये चिपक नहीं जाता है। तो ये हल्के से हाथ से निकाल देते हैं। ये देखिए एकदम जेली टाइप जैसा हो गया है ये। तो इसके ऊपर में अभी थोड़ा सा ये मिर्चो डाल देते हैं। ये हमने जो बनाया था पेस्ट, लहसुन और अजिनामोटो चिली पाउडर थोड़ा सा है इसमें, इसको हम ऐसे स्प्रेड कर देते हैं ऊपर की तरफ से, जैसे रोल में हम लोग लगाते हैं। हाँ हाँ, इसका फ्लेवर अभी तक यहाँ ही दूर से आ रहा है। ये स्प्रेड हो गया है, स्प्रेड हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लेक्स डालते थे। झिंगा है बाबा, मोरी मायो, मोरी आये हो, मोरी तो ये क्रंची नूडल्स डाल देते हैं। इसके अंदर ही मसाला मिल जाता है, तो आपको ये बहुत तीखा भी मिलता है, आपको मैल भी मिल जाता है। अभी इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए अब हम धनिया ऐड कर देते हैं। अभी इसको हम यहाँ से इसको रोल करते हुए आते हैं।
ये जैसे रोल हो गया, रोल हो गया, तो मैं इसमें टूथपिक लगा देता हूँ। देखिए एकदम सॉफ्ट, ये देखिए अंदर का एकदम सन्ने, ये देखिए बहुत ही अच्छा, ये देखिए अंदर का, ठीक है। तो अभी ट्राई करते हैं, तो आइए टेस्ट करते हैं, अभी रेडी हो गया, ये देखिए एकदम फाइन इसका अंदर का, चले अभी देख रहे हैं, अभी टेस्ट करते हैं।